एब्स्ट्रैक्ट में आप बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव, मेथडोलॉजी, रिजल्ट्स, कंक्लूजन, कीवर्ड्स और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते हैं। आपने रजिस्ट्रेशन नंबर लाजमी ले लेना है अपने रिसर्च का। विद इन ग्रुप एनालिसिस में पेड सैंपल टी टेस्ट लगता है। बिटवीन द ग्रुप एनालिसिस में हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लगाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट ओनली वन पेज पे होना चाहिए, टू पेजेस पे नहीं आना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर भी शो हो रहा है। इंट्रोडक्शन मैक्सिमम 3 to 4 पेजेस का होना चाहिए और पैराग्राफ ज़्यादा लेंथी नहीं होने चाहिए। 8 to 9 लाइंस का एक पैराग्राफ हो और इंट्रोडक्शन के लास्ट के पैराग्राफ, जो लास्ट टू पैराग्राफ है उनका स्टार्टिंग ऐसे होना चाहिए, इन द प्रीवियस रिसर्च या फिर देर आर मैनी स्टडीज दैट सजेस्ट, इस टाइप से आपने लिखना है लास्ट के टू पैराग्राफ्स को। पैरामीट्रिक में आपका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी कि अगर आपका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पैरामीट्रिक है। नॉन पैरामीट्रिक कब होता है? जब कॉन्टीन्यूस डेटा होता है रैंक्स की फॉर्म में या डाटा वैल्यूज की फॉर्म में। लिटरेचर रिव्यूज़ आपने जस्ट 10 लिखने हैं, 15 बिल्कुल नहीं लिखने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। जस्ट आपने 10 लिटरेचर रिव्यूज़ लिखने। जैसे ये रिटन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी वॉज आप वर्ड यूज़ नहीं कर सकते रिसर्च में, आपको यहाँ पे वर्ड इज़ यूज़ करना होगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी इज़ टू डिटर्मिन। अगर पी वैल्यू 0.05 से कम होती है तो हमारा डाटा सिग्निफिकेंट है। इसके बाद हाइपोथेसिस और रेशनैले। रेशनैले मतलब कम्युनिटी को या फील्ड को क्या फ़ायदा हो रहा आपकी रिसर्च से। ऑपरेशनल डेफिनेशन में आप रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की वैल्यू अलग से नहीं, उसी आउटकम या क्वेश्चनर के अंदर लिखेंगे। और आप कोई पिक्चर विदाउट रेफरेंस ऐड नहीं कर सकते। अगर आपको पिक्चर ऐड करनी है तो आप ओरिजिनल खुद की पेशेंट पे एप्लीकेशन करते हुए किसी एक्सरसाइज इंसर्ट कर सकते हैं। मटीरियल एंड मैथड, इसमें आपको अपना सैंपल साइज और उसके ड्रॉप आउट का पता होना चाहिए कि कितना आपका सैंपल साइज और कितना ड्रॉप आउट। इंक्लूजन क्राइटेरिया, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, और आपको पता होना चाहिए आपने ब्लाइंडिंग कौन सी यूज़ की है। कॉन्सॉर्ट के फ्लो चार्ट पे आपकी ड्रॉप आउट, आपने कितने पेशेंट्स को लिया है, कितने पेशेंट्स का फॉलो अप रहा है, पूरे ग्राफ की फॉर्म में शो होता है। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट अप्रोच। उसमें आपके ग्रुप्स होते हैं, जैसे ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। आप रिसर्च लिखते हुए ग्रुप ए एंड ग्रुप बी मेंशन नहीं करते। फॉर एग्जांपल ग्रुप ए को आपने कोई रिलैक्सेशन टेक्निक दी है तो आप ग्रुप ए की जगह उसे रिलैक्सेशन टेक्निक का नाम लिखेंगे, और सेकंड में जैसे मैंने ग्रास्टन दी थी तो ग्रुप ए की जगह मैं लिखूँगी ग्रास्टन टेक्निक। उसके बाद आते हैं रिजल्ट्स। आपके रिजल्ट्स बहुत लंबे एक पेज में नहीं आने चाहिए, छोटे छोटे पैराग्राफ की फॉर्म में और उसके बाद टेबल की फॉर्म में और ग्राफ की फॉर्म्स में होने चाहिए। रिजल्ट्स में अपने आपने डाटा देख लेना है कि उसकी पी वैल्यू लेस देन 0.05 ही आ रही है, जो कि नॉर्मल डाटा के लिए और सिग्निफिकेंट डाटा के लिए होती है। जहाँ रिसर्च में आपने कोई टेस्ट जैसे इंडिपेंडेंट टी टेस्ट वगैरह लगाया या कोई भी सैंपल टेस्ट लगाया, वहाँ पर पी वैल्यू आपने लाजमी चेक कर लेनी है। उसके बाद कंक्लूजन होगा स्टडी का, जो कि अकॉर्डिंग टू योर प्री एंड पोस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग होगा कि आपने सिग्निफिकेंस कितनी थी। फिर लिमिटेशंस एंड रिकमेंडेशंस होंगी और उसके बाद आपके आ जाएंगे रेफरेंसेस जो आपने एंड नोट से डालने हैं, और लास्ट पे आप अपना कॉन्सेंट फॉर्म जो है वो भी अटैच कर देंगे।